रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़रिया, रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब रनैया। तो आज मैं आप सबको लेकर जाने वाला हूँ जहाँ रानी पद्मिनी, जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए 16,000 दासियों के साथ जिंदा जौहर कर सती हो गई। यहाँ आज भी उनके बलिदानों की गूंज सुनाई देती है। चित्तौड़गढ़ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग है। इतना ही नहीं, चित्तौड़गढ़ 700 एकड़ के विशाल एरिया में फैला हुआ है। यहाँ 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर यूट्यूब चैनल टाइम ट्रैवल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं चित्तौड़गढ़। जी हाँ, राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जो एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग है। आज हम आप सबको बताएंगे कि चित्तौड़ का इतिहास क्या था, चित्तौड़ में क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे आक्रमण हुए और कौन कौन से टेम्पल है और कौन कौन से फोर्ट्स है। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आप सबको आज पूरा चित्तौड़ का टूर कराऊंगा। तो अभी हम खड़े हैं जहाँ से चित्तौड़ दुर्ग से आप पूरा शहर देख सकते हो, यहाँ से आप पूरा देख सकते हो, पूरी सिटी आपको पीछे दिखाई देगी। तो अभी हम आगे की तरफ जाएंगे और सबसे पहले आपको मेरे पीछे एक जगह दिख रही होगी, यहाँ से 40 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और इस 40 रुपये के टिकट में आप पूरे फोर्ट में घूम सकते हो। और फोर्ट बंद होने का टाइम आई थिंक 6 बजे तक है शाम को। तो अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट पैलेस पे आया हूँ जिसका नाम है कुंभा पैलेस। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं और आपको इस पैलेस का पूरा टूर करवाते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित है राणा कुंभा महल। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस महल को कई सारे हिस्सों में तोड़ दिया था। फिर आगे चलकर महाराणा कुंभा ने इस महल का निर्माण फिर से कराया, तब इस महल का नाम पड़ा कुंभा महल। चित्तौड़गढ़ में जितने भी राजा हुए, बप्पा रावल से लेकर राणा उदय सिंह तक, सभी राजा इसी महल में रहा करते थे। यहीं रहकर मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और यहाँ पर ही पन्ना धाय ने राणा उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलिदानी दे दी। ये जगह देखो, यहाँ पे प्रेम रतन जो आपने मूवी देखी थी उसकी शूटिंग भी यही इसी महल में हुई थी। और कौन सी लाइट फिल्म की जो कांटो की इसका अपने वाला गाना है, वो आज की बनने की तमन्ना वाली बोल बनी है ना। वहाँ 50 kg का सोने का सूरज रहता था, या भी कहते हैं उदयपुर सिटी पैलेस में लगा रहता है। इसमें शिप में आप देख रहे हैं सामने गोल शिप में, ये 9 लाख का भंडार था। अच्छा, कहते हैं 9 लाख रुपए एवरी टाइम एवरी कंडीशन के लिए यहाँ रिजर्व में रखे जाते थे चाहे का। अभी हम आए हैं मीरा टेम्पल, अभी इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। और कहा जाता है कि जहाँ पर मीरा को जहर दिया गया था और वो अमृत में बदल गया था, वो यही टेम्पल है। कुंभ स्वामी मंदिर में ही मीरा मंदिर बना हुआ है, जहाँ एक मंदिर में बलराम, श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति स्थापित है। वही दूसरी तरफ एक मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण और मीराबाई की मूर्ति लगी है। यहीं पर मीराबाई को मारने के कई प्रयास हुए, उन्हें खीर में जहर डालकर दिया गया जो अमृत में बदल गया। इतना ही नहीं, फूलों की टोकरी में सांप रखे गए पर वो भी फूलों में बदल गए। इस मंदिर में लगाई गई मूर्ति 2002 में ही लगाई गई थी। श्री कृष्ण जी की ओरिजिनल मूर्ति मीराबाई अपने साथ द्वारिका लेकर गई थी। छतरी देख रहे हैं आप, ये मीरा के टीचर, मीरा के गुरु रोहिदास जी की छतरी है। मीरा ने जाति पाति में कोई भेद नहीं करते हुए उनसे भजन शिक्षा ली, शास्त्र शिक्षा ली और मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाया छतरी के ऊपर। देखिए जैसे पतत्व से मिलकर एक शरीर बनता है, उसी मापिक जो 5 बॉडी के साथ एक से जुड़ा हुआ है, 2 हाथ है। जिस बॉडी पे आप जिस एंगल से नजर दौड़ाएंगे वो सिर उस पे अटैच दिखेगा, ये बड़ा कलाकृति है। तो अभी हम खड़े हैं विजय स्तंभ के। विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने सन 1440 से 1448 के मध्य बनाया। जब राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह को एक साथ हराया था, उस युद्ध की जीत में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया। जब विजय स्तंभ को बनाया गया तब विजय स्तंभ को बनाने में कुल 90 लाख का खर्च आया।
इसमें कुल 9 मंजिल है और इसकी खास बात यह है कि ये भगवान शिव के डमरू के आकार का बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। आप अगर राजस्थान पुलिस का लोगो देखेंगे तो उसमें विजय स्तंभ का सिंबल बना हुआ है। ये जो आप मेरे पीछे टेंपल देख रहे हो, ये शंदेश्वर महादेव टेंपल है और इस मंदिर के अंदर आपको 3 मूर्तियां देखने को मिलेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की मूर्ति साथ में है। ये जो आप पीछे कुंड देख रहे हो, ये गोमुख कुंड है, रानियां होती थी वो नहाने आती थी, कुंड है ये, कभी सूखता नहीं था। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें एक शिवलिंग है जो हमेशा पानी गिरता रहता है और वो पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा गिरता है, तो ये इस कुंड की खासियत है और इसमें पानी कभी कम नहीं होता। ये जो आप वो जगह देख रहे हो मेरे पीछे, वो आपको जगह दिख रही होगी, तो शिवलिंग एग्जैक्ट उसी जगह पर है। ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हो, यही है पूरा झोल, ये पहले 40 फीट का हुआ करता था, अब इसको बंद कर दिया गया है। ये जो जोहर स्थल है, इसी के अंदर रानी पद्मावती और उनके साथ 16,000 दासियों ने इसमें जोहर किया था। आप अभी जो गार्डन देख रहे हो वही है जोहर कुंड, जहां रानी पद्मिनी ने 16,000 दासियों के साथ जोहर किया था। इतना ही नहीं, रानी कर्णावती और फूल कवन ने भी दासियों के साथ जोहर किया था। इस कुंड में कई सारे जेवर और हड्डियां मिली और इसमें पानी भरने से विजय स्तंभ की नींवों में भी कमजोरी आने लगी, जिसके कारण इस कुंड को सरकार ने बंद कर दिया और आज भी यहां राजा जौहर मेले के दिन यहां श्रद्धांजलि देने आते हैं। अब मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ रानी पद्मिनी के महल, जहाँ रानी पद्मिनी के 2 महल बने हुए हैं, एक समर पैलेस और एक विंटर पैलेस। रानी पद्मिनी श्रीलंका के शिहर द्वीप वाली रानी थी, जहाँ हमेशा ठंड का मौसम रहता था, लेकिन राजस्थान में गर्मी के कारण उन्हें तकलीफ होती थी। तब रावल रतन सिंह जी ने रानी के लिए पानी के बीच में समर पैलेस बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था वो यही कमरा है। रानी पद्मिनी को समर पैलेस में बैठाया गया और पानी की परछाई कांच पर पड़ी, तब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा था। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी को अपना चेहरा दिखाया नहीं था, बल्कि रानी पद्मिनी की दासी का चेहरा बताया गया था। इस किले में कुल 7 गेट है, जिन्हें पोल के नाम से जाना जाता है। अभी आप जो गेट देख रहे हो वो है सूरज पोल, जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है। यही इस किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। इसी द्वार होकर अलाउद्दीन खिलजी महल में आया था। इसके सामने जो पहाड़ी देख रहे हो वो है अरावली हिल्स, खेती वाला मैदान है, वही युद्ध का मैदान हुआ करता था। यहाँ एक पहाड़ी है जिसे कुंभकर्ण पहाड़ी कहा जाता है। इस पहाड़ी को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ है, और इसी पहाड़ी के बीच में अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक रुका हुआ था। चित्तौड़गढ़ में केले के पत्तों की साड़ी, सीताफल की साड़ी और चंदन की साड़ी बनाई जाती है, जिसको फिटकरी के पानी से धोने पर चंदन की खुशबू हमेशा बनी रहती है। यहाँ एक साड़ी और बनाई जाती है जिसे रानी पद्मिनी साड़ी कहा जाता है। इस साड़ी को पद्मावती मूवी में दीपिका पादुकोण ने भी पहना था और यहाँ की साड़ी की चर्चा पूरे भारत में की जाती है। अभी आप देख रहे हो बाण माता मंदिर, यह चित्तौड़ के सभी राजवंशों की कुल देवी है। इनका चमत्कार अद्भुत है और इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया, जहाँ से मेवाड़ का राजतंत्र प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से मेवाड़ में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई, तभी इनके पास में एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनाया हुआ। चित्तौड़ में कई सारे लोग घूमने तो आते हैं, पर इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप जब भी चित्तौड़ आए तो इस मंदिर में एक बार दर्शन जरूर करें।